नेता प्रतिपक्ष हो या नेता सदन हो, सदन के अंदर सभी का मान बराबर है। जब प्रश्न में आए हैं तो वो नहीं, उनके लिए बैठ नहीं जा सकते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। मंत्री लेसी सिंह वाले मामले पर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। तेजस्वी यादव की बातों को लेकर आरजेडी के विधायक लगातार बिहार विधानसभा में बोल रहे थे और साथ ही मंत्री लेसी सिंह को लेकर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि स्पीकर विजय सिन्हा ने ये साफ कर दिया कि जिस मामले को मैंने पीछे छोड़ दिया है, उस मामले को लेकर मैं अब दोबारा से उसे नहीं खोलूंगा। यानी कि जो बात पीछे रह गई है, जिस पर पहले बात हो चुकी है और जिस तरह से अब आगे के सवाल हो रहे हैं, ऐसे में पीछे वाले वाक्या को मैं एक बार फिर से बिहार विधानसभा में नहीं खोलूंगा। ऐसे में विपक्ष ने स्पीकर विजय सिन्हा के बात को नहीं माना और लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था। बता दें कि इस बीच स्पीकर विजय सिन्हा ने ये तक कह दिया कि चाहे इस वक्त विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव क्यों ना होते, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों ना होते, मैं पीछे नहीं जाता। और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से लगातार सदन में हंगामा किया गया, जिसके बाद आखिरकार सदन को स्थगित कर दिया गया। यानी कि मूल रूप से बात यह सामने आई है कि लेसी सिंह वाले मामले को लेकर विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा था, मंत्री लेसी सिंह के ऊपर लगे आरोपों को दोहरा रहा था और साथ ही सवाल जवाब कर रहा था। लेकिन इस बीच स्पीकर विजय सिन्हा ने अपनी बातों को दोहराया और ये कहा कि ये मामला पीछे छूट चुका है, मैं आगे बढ़ चुका हूं, ऐसे में अब आगे की कार्रवाई होगी, मैं पीछे फिर से उस पूरे मामले को नहीं खोलूंगा। और यही बात विपक्ष नहीं मान रहा था। स्पीकर विजय सिन्हा की तरफ से जो कहा गया उस पर अमल विपक्ष नहीं कर रहा था, जिसके बाद आखिरकार सदन को ही स्थगित कर दिया गया। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें बिहार विधानसभा से देखने को मिली है, स्पीकर विजय सिन्हा के समझाने के बावजूद किस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, क्या कुछ तस्वीर सामने आई है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। मौका देंगे बोलने का, स्थान पर जाइए, यही सही है। तो इस तरह से सदन चलाएंगे तो आप कहेंगे, तो इंसाफ यही कहता है कि सदन, इंसाफ यही कहता है तो आप तो इंसाफ इंसाफ के लिए चलिए, ध्यानाकर्षण अब अगले तिथि पर होगा, अगले तिथि पर चलिए चलिए। आप लोग अपने स्थान को नहीं ग्रहण करेंगे तो सदन अपने पहले नहीं, अपने स्थान पर जाइए, ऑर्डर में आने दीजिए सदन को, ऑर्डर नहीं, सदन को ऑर्डर में आने दीजिए, अपने स्थान पर जाइए, नहीं सदन में ऑर्डर पर आने दीजिए, जाइए। फिर कहिएगा कि आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर में शासन को चलिए, हाँ लगाइए। आप इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नहीं चलने दे रहे हैं, आसन से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, सदन विमर्श का जगह को आप समय बर्बाद कर रहे हैं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।